हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रोटिस्टा में ही हम बात करेंगे प्रोटिस्टा की हम बात करेंगे और प्रोटिस्टा में हम लोग उस दिन हमने पिछले जो वीडियो में हमने जो है क्लासिफिकेशन की बात किया था, अब एक ही इसमें हम लोग देखेंगे पार्ट्स की बात करेंगे। इसमें हम लोग तीन ही पार्ट्स पढ़ेंगे 11th क्लास में या 12th क्लास में जो स्टडी हम लोग यहाँ पर करेंगे। एक तो यूक्लिनोइड की हम बात करेंगे, यूक्लिनोइड में जब हम आएंगे, आपको पता है यूक्लिनोइड जो है फोटोसिंथेटिक रीजन के अंदर आता है। तीन भागों में जो है इसको हमने प्रोटिस्टा में उस दिन डिवाइड किया था, एक होलोफिटिक या फोटोसिंथेटिक रीजन था, सेकेंड कंज्यूमर रीजन था प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, और थर्ड जो रीजन था उसमें हमने जो है प्रोटोजोन की बात हमने किया था। तो तीन रीजन में इसको डिवीजन इसका किया गया था। उसमें हम लोग यूक्लिनोइड के अंदर जो है यूक्लिना की स्टडी हम लोग यहाँ पर करेंगे, यूक्लिना के बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे और इसके जो स्ट्रक्चर के अलावा जो इसमें रिप्रोडक्शन उसकी बात करेंगे, न्यूट्रिशन की बात करेंगे, यानी पूरी जो है जो समरी है यूक्लिना की यह इसकी हम बात यहाँ पर करेंगे। आप देखेंगे यूक्लिना जो है आपको पहले से ही पता है कि यूक्लिना कहाँ पाया जाता है, इसका ऑकरेंस क्या है। यूक्लिना जो है फ्रेश वाटर, आपको पता है कि पहले ही हमने बताया है, पिछले वीडियो में हमने यह बताया था कि यह जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक यह ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर यूक्लिना। तो यूक्लिना का जो ऑकरेंस है, ऑकरेंस का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे प्राप्ति स्थान कहाँ पर यह पाया जाता है। तो यह जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर की हम बात करें अगर, फ्रेश वाटर है, पॉन्ड है, डीपिच है, इसके अलावा अगर हम बात करें डेंस सॉइल की बात करें या उसकी बात करें जहाँ छाया बनता है उसकी बात करें, तो यह जो है यह सिंपली जो है यह पाया जाता है। लेकिन इसकी अगर हम बॉडी की अगर हम बात करें, यूक्लिना की बॉडी की अगर बात करें, तो इनकी बॉडी आप देखेंगे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, आप उसको देखेंगे ना कि स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है। देखिए इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है बॉडी का। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एंटीरियर जो पोर्शन है, इसको एंटीरियर हम पार्ट बोलेंगे, इसको मिडिल पार्ट बोलेंगे और इसको लोअर पार्ट या पोस्टीरियर पार्ट बोलेंगे, यानी एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर तीन रीजन में इनकी बॉडी बटी हुई है। तो इस बॉडी को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पॉन्डिलिसेप्ट भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी जो एंटीरियर जो पार्टी होती है वह ब्लंटी टाइप की होती है। ब्लंटी टाइप की होगी, ब्लंट का मतलब होता है घोथड़ा, मोटी जो साइज, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लंटी टाइप। इंग्लिश का एक वर्ड है ब्लंट, बी एल यू एन टी, यानी ब्लंट टाइप के इनके एंटीरियर पोर्शन होंगे। मिडिल जो पोर्शन होते हैं वह पोर्शन वाइडर होते हैं, वाइडर का मतलब चौड़ा होगा, और जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वह पॉइंटेड होते हैं। तो इस तरह की इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है जिसको आप इस पांडे से आप नाम दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर हमने यह दिया है, इस स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो यह देख रहे हैं यह बड़ा सा जो एक रिजर्वायर, इसको हम लोग नाम देते हैं रिजर्वायर, इसको हम लोग नाम देंगे। यह देखिए यह फ्लास्क से स्ट्रक्चर बना हुआ, फ्लास्क से स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, एंटीरियर रीजन में पाया जाता है, जिसको नाम हम क्या देते हैं, रिजर्वायर नाम देते हैं। रिजर्वायर में आप देखेंगे दो चीज आपको मिलेगा, दो फ्लेजिला यहाँ पर आपको मिलेंगे, एक जो है बड़ा लंग फ्लेजिला आपको मिलेगा इस तरह का, यह लंग फ्लेजिला है, और दूसरा जो है यहाँ पर एक शॉर्ट फ्लेजिला आपको मिलेगा, इसको हम नाम देते हैं शॉर्ट फ्लेजिला। फ्लेजिलम शब्द यूज किया जाए सिंगुलर की बात हम करेंगे, और यह लॉन्ग फ्लेजिलम, इसको लॉन्ग हम लोग बोलेंगे, फ्लेजिलम इसको नाम देंगे। अब आप देखेंगे इसमें यह शॉर्ट और लॉन्ग हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर जो पोर्शन है, जहाँ पर यह रिजर्वायर का जो ओपन पार्ट होता है या जिसको माउथ हम लोग बोलेंगे, ये साइटोस्टोम कहलाता है, साइटोस्टोम इसको हम बोलेंगे, जहाँ पर ये ओपन होता है अपर वाला पार्ट्स है इस रिजर्वायर का,
या माउथ भी आप इसको आप बोल सकते हैं, साइटोस्टोम कहलाता है। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि छोटा सा यहाँ पर एक आई स्पॉट जिसको हम बोल सकते हैं पाया जाता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं स्टिग्मा। इसको नाम देते हैं क्या नाम है? स्टिग्मा। स्टिग्मा का काम क्या होता है? एक साइंटिस्ट है लेडन ने इसको डिस्कवर किया था कि ये प्रोटीन का पार्ट्स होता है जो वाटर में जब यह मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है, उसके डायरेक्शन को ये बताता है। तो यहाँ आई स्पॉट कहने इसको स्टिग्मा हम नाम देते हैं। ओके, या आई स्पॉट भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस रिजर्वायर से एक बड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे एक बैक्यूल्स यहाँ पर लगा होता है। बैक्यूल्स हम बोलेंगे, बैक्यूल्स का मतलब होता है रिक्तिका, इसको बोलेंगे। अब यह जो बैक्यूल्स है, इस बैक्यूल का एक नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल बैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल बैक्यूल। अब देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल बैक्यूल का क्या फंक्शन है? यह ऑस्मोरेगुलेशन का कार्य करता है। अब आप सोचेंगे कि कैसे बन जाता है इसके बॉडी के अंदर? तो यह जो एनिमल है वह एक्वेटिक है, यानी पानी के अंदर ही रहता है। तो पानी के अंदर अगर रहेगा तो इसके बॉडी के अंदर क्या होंगे? वाटर जो है अंदर की तरफ जाएंगे। तो वाटर को बाहर निकालने के लिए, बॉडी को कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए यह नेचर ने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्टाइल बैक्यूल डेवलप किया है कि जो बॉडी के अंदर जो एक्सेस वाटर होगा उस एक्सेस वाटर को क्या करेगा? यानी फिल करेगा, यानी बॉडी से बाहर इसको क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, निकालने का काम करेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल बैक्यूल जो है यहाँ पर ये लगाया गया है, बड़ा सा ये पाया जाता है। इसके बगल में देखिए बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट आपको यहाँ मिलेंगे, छोटे छोटे देख रहे हैं इस तरह के वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं छोटे छोटे, ये जल की बूंदें, जिसको एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल बैक्यूल आप बोल सकते हैं। एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल बैक्यूल इसको नाम देते हैं, एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल बैक्यूल इसको नाम हम दे सकते हैं। ओके, अब देखेंगे कि अगर आपसे अगर पूछा जाए कि कॉन्ट्रैक्टाइल बैक्यूल का क्या फंक्शन है, तो आप सीधे बोलेंगे ऑस्मोरेगुलेशन का फंक्शन है। ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेटरी का मतलब ये होता है कि बॉडी के जो इंटरनल जो कॉन्सेंट्रेशन है और एक्सटर्नल कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों के बीच जो है उसको हम बोलेंगे तो उसकी साम्यावस्था ने इक्विलिब्रियम की कंडीशन उसको आप कर सकते हैं, उसको बनाए रखने का काम करता है। यानी एक्सेस वाटर को रिपेल करेगा, बाहर करने का काम करेगा। अब देखिए या छोटे छोटे एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल बैक्यूल भी छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स इसके चारों तरफ पाए जाते हैं। अब यह कैसे बना ये कॉन्ट्रैक्टाइल बैक्यूल, इसके पीछे भी एक कहानी है कि जो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं छोटे छोटे जो है वह धीरे धीरे इकट्ठा होकर क्या कर जाते हैं, आपस में जो है वह फ्यूजन कर जाते हैं और उनके फ्यूजन से एक लार्जर बैक्यूल का क्या होता है? फॉर्मेशन हो जाता है। तो यह जो है यहाँ पर यह कॉन्ट्रैक्टाइल बैक्यूल की बात हो गई। सेंट्रल लीजन में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा बैक्यूल मिलेगा जिसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियस नाम देते हैं। अब न्यूक्लियस आपको पता है सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है पूरे सेल के फिजियोलॉजी फंक्शन को कंट्रोलिंग का काम करता है। अब इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो भी है न्यूक्लियोसोम है, यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है, तो इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बॉडी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि जो बॉडी के बाहर यह दिख रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं पेलिकिल। हम लोग यूज करेंगे वर्ड क्या यूज करेंगे? पेलिकिल। पेलिकिल क्या होता है? यह आउटर एक कवरिंग होता है, प्रोटीन का बना हुआ फ्लेक्सिबल एक कवरिंग होता है। फ्लेक्सिबल इसलिए नाम दे रहा है कि जब इसको आवश्यकता पड़ती है तो बॉडी को कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकता है, वेरियस स्टेज में जा सकता है उस तरह का। तो यह जो है पेलिकिल का बना होता है, सेल वॉल में इसमें लगे होते हैं जो रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर का इसमें पाए जाते हैं। और इसमें आप देखेंगे जो बॉडी के बॉडी में देखेंगे एक एंड से दूसरी एंड को देखिए, यहाँ पर हम जो यह बना रहे हैं आप देखेंगे इसको हम लोग नाम देते हैं, देखें यह मायोनेम्स कहा जाता है। क्या नाम है? मायोनेम्स इसको नाम देते हैं। यह मायोनेम्स क्या है? मायोनेम्स फ्रेड बाइक स्ट्रक्चर है जो एक एंड से दूसरे एंड को क्या कर रहा है? यह कनेक्ट कर रहा है, यानी इस एंड से इस एंड को यह बाइंड कर रहा है, यानी दोनों बॉडी के दोनों जो फेज हैं इस सेम फेज में यह आर्टिकुलेटिंग सिस्टम होता है एक तरह का, इसका नाम है आर्टिकुलेटिंग सिस्टम। इसको बोलेंगे कि एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा और दूसरा इसमें फिर जाकर साकेत नुमा स्ट्रक्चर बनाकर उसके साथ बैठ जाता है।
तो यह जो है एक आर्टिकुलेटिंग रिज और फरो टाइप का स्ट्रक्चर, इसको बोल सकते हैं रिज और फरो करके बनाया गया, बनने का काम करता। इसका क्या नाम है? मायोनिम्स हम लोग नाम देते हैं, मायोनिम्स हम नाम देते हैं। ओके, अब इसमें आते हैं तो आप देखेंगे इस यूरिना के बॉडी के अंदर या लंबे लंबे इस तरह के जो है यह क्लोरोप्लास्ट आपको यहाँ पर डेवलप मिलेंगे। इसको नाम देंगे हम लोग क्लोरोप्लास्ट नाम देते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट आपको पता है क्लोरोफिल ए और बी के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए देखिए यह क्लोरोप्लास्ट जो पाया जा रहा है इसीलिए इसको नाम दिया गया यूरिना को, कि यह कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल यानी पादप और जंत के बीच का यह जो है कड़ी कहलाता है। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट भी डेवलप हो गया, तो जहाँ क्लोरोप्लास्ट होंगे वहाँ फोटोसिंथेटिक रीजन का कार्य होगा यानी होलोफिटिक या आप कहें यहाँ पर प्लांट लाइफ ये बिहेव करेगा, यहाँ पर न्यूट्रिशन जो होगा वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया यहाँ पर इसके अंदर होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो हमारा क्लोरोफिल हो गया क्लोरोफिल, अब इसमें हम देखेंगे जो क्लोरोफिल है फोटोसिंथेसिस का जो कार्य करते हैं उसके पूरे के बॉडी के अंदर हम देखेंगे किस तरह के जो है रिजर्व फूड का फॉर्मेशन इनके बॉडी के अंदर होता है। देखिए इसको रिजर्व फूड बोलिए या इसको हम लोग एक नाम देते हैं पैरामाइलोन, पैरामाइलोन क्या नाम है? पैरामाइलोन। यह पैरामाइलोन है क्या? तो पैरामाइलोन जो है यह पॉलीसेकेराइड्स होता है लाइक स्टार्च, सिमिलर टू स्टार्च इसको कह सकते हैं, रियल में स्टार्च तो नहीं होता, सिमिलर टू स्टार्च इसको कह सकते हैं, बट ये है क्या? एक पॉलीसेकेराइड है या रिजर्व फूड का काम करता है इस एनिमल के अंदर, नाम क्या है? पैरामाइलोन, पैरामाइलोन इसको हम लोग बोलेंगे। यह रिजर्व फूड का कार्य करता है इसके बॉडी के अंदर, तो बहुत सारे रिजर्व फूड इसके बॉडी के अंदर ये पाए जाते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि पानी के अंदर ये कैसे, तो स्ट्रक्चर की एक बात हो गई। अब इसमें एक चीज़ और आप देखेंगे कि जो इसके बॉडी के अंदर आप देखेंगे जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म वह दो भागों में डिफ्रेंशिएट होता है, एक तो पेरीफेरी रीजन में है, इसको हम बोलेंगे पेरीफेरी रीजन बोलेंगे। पेरीफेरी का मतलब ये होता है कि जो बॉडी के चारों तरफ जो पाया जाता है ये डेंस होता है, डेंस इसको बोलेंगे, डेंस होगा पेरीफेरी रीजन में। और जो न्यूक्लियस के आसपास सेंट्रल रीजन में जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है पेरीफेरी साइटोप्लाज्म इसको हम लिखते हैं। यहाँ पर अगर हम बोलें कि जो सेंट्रल रीजन में जो पाए जाते हैं, सेंट्रल रीजन में जो साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं वह साइटोप्लाज्म कैसा होता है? मोर लिक्विड उसको नाम देते हैं, मोर लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म दो भागों में क्या होता है? डिवाइड होता है, एक हमारा आउटर की तरफ या पेरीफेरी रीजन में डेंस साइटोप्लाज्म पाए जाएंगे और सेंट्रल रीजन में जो न्यूक्लियस के आसपास जो साइटोप्लाज्म होगा वह मोर लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं। सॉरी अब यहाँ पर आप देखेंगे फ्लेजिलम की हम बात करें, एक साइड फ्लेजिलम है, दूसरा जो है लंग फ्लेजिलम है। इसी लंग फ्लेजिलम के थ्रू जो है क्या करता है? यह लोकोमोशन का कार्य करता है। लोकोमोशन आपको पता है जो एनिमल उसके अंदर मूव करेगा तो लोकोमोशन के लिए कोई आर्गन होना चाहिए, तो यह फ्लेजिलम का जो लंग जो फ्लेजिलम है उससे लोकोमोशन करता है। दूसरा क्या करेगा कि यह जब एनिमल एक्वेटिक के सरफेस लेवल पे होता है यानी जो पानी है वाटर के सरफेस पे जब यह एनिमल पाया जाता है तो उस कंडीशन में क्या करता है? इस क्लोरोप्लास्ट का यूज करके जो है फोटोसिंथेसिस का कार्य कर लेता है यानी सेल्फ प्रिपरेशन कर लेता है खुद का। लेकिन जब यही एनिमल डार्कन की कंडीशन में नीचे बॉटम में चला जाएगा तो यह क्लोरोप्लास्ट इसका डेड कर जाता है। उस कंडीशन में जो फ्लेजिलम है वह क्या करते हैं? न्यूट्रिशन का कार्य करते हैं और छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं, उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और एनिमल लाइक बिहेव करते हैं। इसलिए डबल नेचर ऑफ न्यूट्रिशन इसको बोला जाता है कि दो तरह के इसमें जो है पोषण की क्रियाएं दो तरह की होती हैं। तो एक सिंपल जो है यह स्ट्रक्चर है इसका यूरिना का है जो एक फाइबर के अंदर हम जो स्टडी इसके अंदर करेंगे। तो एक एकदम हमारे प्रतिष्ठा में हमने फोटोसिंथेटिक रीजन में एक यह पढ़ना था आपको टॉपिक जो है यूरिना के बारे में। तो यह इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, डिफरेंट पार्ट्स हैं और इसके बाद हम लोग अभी बात स्टडी करेंगे। ओके।